Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 5th. Now today we start new chapter, chapter number 6, multiples and factors. And today we do exercise 6.1, part 1. Now see in the book. This is your maths book. Maths of class 5th. Now open chapter number 6. This is the chapter number 6, multiples and factors. देखिए सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में बता दूं कि मल्टीपल्स हम किन्हें कहते हैं. सी इन दिस नोटबुक कि मल्टीपल्स इट इज दैट नंबर विच कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर. मल्टीपल्स बच्चों हम उस नंबर को कहते हैं जो नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर के टेबल में वो नंबर आता हो. तो वो सभी नंबर जो दिया हुआ नंबर है उसका मल्टीपल्स होगा. देखिए एग्जांपल में 4 है. अब 4 की टेबल में बच्चों कौन कौन से नंबर आते हैं. 4, 8, 12, 16, 20 ये हमने सब 4 का टेबल लिखा हुआ है. तो ये सभी नंबर हमारे 4 के टेबल के हैं. तो ये नंबर जो 4 का क्या है मल्टीपल्स. यानी जैसे 7 नंबर है तो 7 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी हमारे 7 के मल्टीपल्स हैं. ओके फिर है फैक्टर्स. अब हम फैक्टर किसे कहते हैं. फैक्टर बच्चों हम उस नंबर को कहते हैं जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली मतलब उसको डिवाइड कर देता है. जैसे मान लीजिए नंबर हमारा 8 है तो 8 को कौन कौन सा नंबर इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. यानी किस नंबर से 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. तो 1 से डिवाइड हो जाता है. 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा. 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. हम 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली. तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे 8 के क्या हो गए फैक्टर्स. यानी दिए हुए नंबर्स जो नंबर है ये नंबर हमारा किस किस नंबर से डिवाइड होता है कम्प्लीटली वो सभी नंबर्स इसके फैक्टर होंगे. इसके साथ बच्चों हर नंबर के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर होते हैं. यानी कि सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर. तो मान लीजिए हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है. अगर कोई आपसे उससे आपसे पूछे कि बेटा इस नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा यानी स्मॉलेस्ट फैक्टर. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर हर नंबर का 1 होता है. कोई भी नंबर हो एनी नंबर उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 1. सेम इसी तरह ग्रेटेस्ट फैक्टर यानी सबसे बड़ा. तो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर कोई भी नंबर है जो भी आपको नंबर दिया हुआ है अगर हमें उस नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना है तो इटसेल्फ यानी वो जो नंबर है वही नंबर उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा. जैसे मान लीजिए अगर हमें 12 नंबर दिया हुआ है 12 का आपको बताना है तो ग्रेटेस्ट फैक्टर 12 ही होगा. अगर 25 है तो 25 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 25 ही होगा. इटसेल्फ का मतलब है वही नंबर. ओके नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. नाउ सी इन द बुक. ए पार्ट राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. ये देखो ये नंबर्स हैं इनके हमें क्या लिखने हैं ऑल द फैक्टर्स यानी सभी फैक्टर्स हमें लिखने हैं. फैक्टर्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया था ये जो दिए हुए नंबर हैं जैसे मान लीजिए 6 है. 6 किस किस टेबल में आता है किस नंबर से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं
वो सभी नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं, ये है 6। अब हम टेबल पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों 1 से, यानी कि अब हम 1 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6 लाने के लिए, यही नंबर हमें लाना है। तो 1 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 1 6 6, यानी कि 1 की टेबल में आता है। और देखो 1 के बाद फिर हम 2 का टेबल, 2 का टेबल पढ़ के देखो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 आता है 2 के टेबल में। तो हम यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 6। अब 2 के बाद 3 का टेबल, 3 1 3 3 2 6, 3 की टेबल में आता है। अब बच्चों मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 2, यही नंबर हमारा रिपीट हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 × 2 कर दूँ तो बात तो वही है, आगे पीछे तो हो जाएंगे। 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो या 3 का टेबल 2 टाइम्स, एक ही बात है। तो जब ये नंबर यहाँ पे रिपीट होता है तो हम 2 टाइम्स नहीं लिखते, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। अब 3 के बाद किस टेबल में आता है, 4। देखो 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। 4 1 4 4 2 8, 6 तो आता ही नहीं है। 5 के टेबल में 5 1 5 5 2 10, 5 के टेबल में भी नहीं आता। अब है 6, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6, तो 6 के टेबल में आता है, कितनी बार पढ़ेंगे, 1 टाइम। तो देखो यहाँ पे 6 भी लिखा हुआ है, 6 1 6, हम उल्टा टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 6 हो गया, तो हम 6 भी नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। तो बच्चों जब ये नंबर रिपीट होने लगते हैं तो हम नीचे नहीं लिखेंगे, और जो नंबर दिवाया है वहीं तक उसका टेबल पढ़ना है, 6 के आगे हम टेबल पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल। अब बच्चों ये जो हमने किया है सिर्फ यही नंबर हमें लिखने हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, पहले 1 फिर कॉमा, अब ये 2 लिखेंगे फिर कॉमा। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे 3, मतलब पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे, फिर हम यहाँ टर्न करेंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हम 3 कॉमा ये 6, तो ये क्या हो गए 6 के फैक्टर्स। इसका मतलब जो 6 है वो इन टेबल्स में 6 आता है, इन नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और देख लीजिए सेकंड नंबर है 24। अब 24 जितने भी टेबल में आता है वो सभी टेबल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो हम 1 से टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और 24 तक पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हम 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 का टेबल तो हम इतनी ही बार पढ़ेंगे, 24 24। अब देखिए 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 का टेबल हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 2 का टेबल हम 12 टाइम्स पढ़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12 2 12 24। अब देखो 3 के टेबल में आता है 24, यस 3 8 24, हम यहाँ 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स। अब देखिए 4 का टेबल, 4 का टेबल में आता है, यस 4 6 24 होता है, 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 24। अब देखिए 5 का टेबल, 5 का टेबल 24 आता है, नहीं आता। अब 6 का टेबल, तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 6 4 जा, तो बच्चों 6 देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इस जब इसके बाद ये नंबर जब हमारा शुरू हो जाता है बच्चों, ये लाइन हमारी शुरू हो गई, अब 6 का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये लाइन हमारी शुरू हो चुकी है, तो हम इसके नीचे अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल। हम पहले ये लाइन कंप्लीट करेंगे 4 तक, 1 2 3 4 कॉमा लगाकर, 1 कॉमा 2 कॉमा 3।
थ्री कॉमा फोर, फिर कॉमा, और फोर तक कंप्लीट हो गया। अब टर्न करेंगे हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, पर हम लिखेंगे सिक्स कॉमा एट, फिर ट्वेल्व कॉमा ट्वेंटी फोर। यानी हर सबके फैक्टर्स वन से शुरू होते हैं और इसी नंबर पर ख़त्म होते हैं, तो ये इनके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा थ्री, थ्री में ट्वेंटी नंबर है, ट्वेंटी के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए सभी नंबर हमें इसी तरह से करने हैं, इन सब के फैक्टर्स सेम इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। तो एक और देख लीजिए ट्वेंटी, देखिए थर्ड में हम ट्वेंटी के फैक्टर्स निकालने हैं। हम वन से ही टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, बच्चों वन से ही हमें स्टार्ट करना है। वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी, अब देखिए टू के टेबल में ट्वेंटी आता है, यस टू टेन जा ट्वेंटी। अब देखिए थ्री के टेबल में ट्वेंटी आता है, नो हम थ्री का टेबल नहीं लिखेंगे, हमें बच्चों यहाँ पे से वही नंबर लिखना है जिसके टेबल में ये नंबर आता हो। तो थ्री के टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ थ्री का टेबल नहीं लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे फोर का टेबल, तो फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है, यस तो फोर फाइव सा ट्वेंटी। और फोर के बाद किसका टेबल पढ़ेंगे हम, फाइव का, तो फाइव के टेबल में आता है फाइव फोर सा ट्वेंटी। अब बच्चों हम नीचे फाइव लिखेंगे, तो ये देखो यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है, यानी अब ये लाइन हमारी शुरू हो गई। तो अब हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहीं रुक जाएंगे, हम स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर ऑल फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी इक्वल। अब कैसे लिखेंगे हम, कैसे बताया था, देखिए पहले हम वन से लिखना शुरू करेंगे नीचे तक, तो वन कॉमा टू कॉमा फोर, फिर कॉमा, फोर के बाद टर्न करेंगे फाइव के पास आ जाएंगे हम, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो फाइव देन टेन देन ट्वेंटी। तो बच्चों ट्वेंटी के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, वन टू फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी, ये सभी ट्वेंटी के फैक्टर्स हैं। देखो वन से शुरू है, सबसे छोटा वन है और सबसे बड़ा यही नंबर है, ट्वेंटी पर ही ये फिनिश होता है। तो बाकी की जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स आप इसी तरह से फाइंड करेंगे। नाउ सी बी पार्ट, बी पार्ट में देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, ये तो बहुत आसान है, मल्टीपल्स में हमें टेबल पढ़ना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे फोर लिखा है, यानी कि फोर के हमें फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप नीचे लिखोगे फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फोर इक्वल। अब ये फर्स्ट का मतलब है वन से ही शुरू करना है, स्टार्ट से, तो फोर का टेबल हम स्टार्टिंग से लिखेंगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फिर सिक्सटीन, फिर ट्वेंटी, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये फर्स्ट फाइव नंबर हो गए हमारे। तो मल्टीपल में बच्चों हमें जो भी नंबर है उसका हमें टेबल लिखना है फाइव तक, वन से लेकर फाइव तक टेबल लिखना है। सेकंड देखिए आप, यहाँ पे नंबर है थ्री, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ थ्री इक्वल। तो फर्स्ट है यानी कि हम स्टार्टिंग से लिखेंगे, ये थ्री है तो थ्री का टेबल लिखेंगे हम, तो स्टार्टिंग से लिखेंगे थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन। तो देखो ये फाइव नंबर हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव। तो सेम इसी तरह से बच्चों ये जो यहाँ पे नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स आप इसी तरह से लिखेंगे, फर्स्ट फाइव मल्टीपल जो भी नंबर है उसका टेबल हम वन से शुरू करेंगे और फाइव तक टेबल पढ़कर उसको लिखना है।
नाउ पार्ट वन इज कंप्लीटेड. थैंक यू, हैव अ नाइस.